Hi friends, this is Punya from Assam. Welcome to my channel. दोस्तों यहाँ पर जितने भी आप लोग को ये मैरीगोल्ड के प्लांटर्स दिख रहे हैं, ये सारे इनका वेराइटीज के हाइब्रिड वाले मैरीगोल्ड हैं, जिनको मैंने अभी सेकेंड लॉट के लिए रेडी कर दिया है। तो वैसे तो मैंने फर्स्ट लॉट भी रेडी कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा उस साइड में मैंने जितने भी लगाए हैं वो सारे मेरे फर्स्ट लॉट के मैरीगोल्ड थे। अभी उनमें ब्लूमिंग चल रही है मगर धीरे धीरे स्पेंड भी हो रहा है। तो ये मेरी सेकेंड बैच है जो इनका वेराइटीज़ के हाइब्रिड वाले मैरीगोल्ड्स हैं, जिनमें बिग साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने इनकी बहुत ज़्यादा पिंचिंग की है। अभी कुछ दिनों पहले ही, मतलब 1 वीक पहले ही मैंने इनकी पिंचिंग बंद की है। देखिए अब इनमें बर्ड्स भी स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं बहुत पहले ही पिंचिंग बंद कर देती तो इनमें बहुत जल्दी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती, मगर मुझे इसको घना बनाना था इसलिए मैंने लगातार इनकी पिंचिंग की है। और जैसे ही मैंने पिंचिंग बंद की है, देखिए इनमें बर्ड्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर आज मैं इन सभी प्लांटर्स में एक ड्राई फर्टिलाइज़र को यूज़ करूँगी, ताकि जो ये इनका वेराइटीज़ के ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं, इनकी जो बर्ड्स हैं उनको मैं, इनसे मैं बड़े साइज़ की फ्लावर्स मैं लेना चाहती हूँ। तो वहाँ पर जितने भी हैं वो इनका वेराइटीज़ के नहीं है, वो दूसरे वाले वेराइटीज़ के हैं जो अभी धीरे धीरे अभी स्पेंड भी हो रहे हैं। आप लोग लगातार मेरे वीडियोज़ में देखे होंगे करके कि वहाँ पर जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई है। दोस्तों मैंने जानबूझ के सेकेंड लॉट को थोड़ा सा देर से मैंने इनको ग्रो किया है, ताकि जैसे ही फर्स्ट बैच मैरीगोल्ड के स्पेंड होने स्टार्ट हो जाए तो फिर ये सेकेंड बैच के जो ये मैरीगोल्ड्स हैं हाइब्रिड वाले, वो फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए। वैसे मैंने थर्ड बैच भी मैंने रेडी कर चुकी हूँ और मैं कभी दूसरे वीडियोज़ में आप लोग को शो करूँगी। ये सारे मेरे इनका वेराइटीज़ के हैं। तो मैंने 3 दिन से इनमें वाटरिंग करना बंद कर दिया है, ताकि इनकी सॉइल बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। और क्योंकि विंटर सीजन में थोड़ा ड्राई होने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने काफ़ी दिनों से इनमें वाटरिंग करना बंद कर दिया। क्योंकि मेरी पूरी प्लानिंग थी करके कि आज मैंने इनमें ड्राई फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। तो हल्का हल्का 1 इंच के जितना हमने फर्टिलाइज़र डालने के पहले इनके सॉइल को बहुत ही अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, ताकि जो भी हम इनमें खाद वगैरह डालें बहुत ही ईजिली इनमें मिक्स हो जाए। और वैसे हमें ये भी पता है कि गुड़ाई करते रहने से इनकी सॉइल तो अच्छे से सूख भी जाती है और पूरी सॉइल जड़ों तक इनकी सॉइल में हवा भी लग जाती है। तो अभी मैं जो ये फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों ये मेरा अपना तरीका है जो हर बार मैं अपने मैरीगोल्ड के प्लांट्स पे यूज़ करती हूँ। और जब भी मैं इनको यूज़ करती हूँ तो वो पहले से अच्छे इनमें बर्ड्स भी आते हैं और बर्ड्स के साइज़ भी बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये वर्मी कंपोस्ट को लिया है और अभी मैं ले रही हूँ ये नीम खली। मेरी ये नीम खली का न्यू पैकेट है, जो मैं ये इस टाइप के पैकेट को मैं फर्स्ट बार यूज़ करूँगी। और जो पहले मैं यूज़ करती थी उसके मुताबिक ये बहुत ही मतलब कई गुना अच्छा है। तो आप लोग को मैं दिखा भी रही हूँ, देखने से भी आप लोग को पता लग जाएगा करके कि ये नीम खली पहले वाली नीम खली से बहुत ही अच्छी है।
तो फिर नीमखली को भी ले लिया और वर्मी कंपोस्ट को भी ले लिया। और ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले रही क्योंकि अभी मैंने थोड़ा बस 2 स्पून ही अपने हर प्लांटर्स में डालना है। अभी मैं ले रही हूँ एप्सम सॉल्ट। जो दोस्तों ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वो वाला सॉल्ट नहीं है। इस एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट से भरपूर होता है, तो इसके डालने से हमारे जो फ्लावर्स हैं उनके साइज़ को एनलार्ज करेगा। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और साथ में ये पोटाशियम के 3 स्पून भी ले रही हूँ। जैसे आप लोग को पता है पोटाश का क्या काम होता है हमारे कोई भी फ्लावर प्लांट के लिए, तो इन तीनों खाद को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों ये मेरा अपना तरीका है जो हर बार मैं अपने ये मैरीगोल्ड के प्लांट्स को मंथ में एक बार ज़रूर डालती हूँ। वैसे मैरीगोल्ड के प्लांट्स को तो ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और जब भी हम इनको स्टार्टिंग में रिपोर्ट करते हैं या कटिंग्स ग्रो करने के बाद हम इसको रिपोर्ट करते हैं तभी हम अच्छे से सॉइल मिक्सिंग प्रिपेयर कर लेता है। बट अगर हमें फ्लावर के साइज़ को बिग करना है तो हमें ये वाले जो मैंने ये प्रिपरेशन की है आप लोग के सामने, तो इसको डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अपने हर प्लांटर्स में मैं 2 स्पून के जितना सबको प्रोवाइड करूँगी। वहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे मैरीगोल्ड्स लगे हुए हैं और उनको मैंने इतनी केयरिंग नहीं की है और धीरे धीरे वो स्पेंट भी हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने सेकेंड लॉट की तैयारी कर दी है। जब तक ये सारे स्पेंट हो जाएंगे तब तक मेरे ये जो सेकेंड लॉट है इनमें फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए फिर अभी मैं अपने प्लांटर्स में अभी सभी डालूँगी। तो जैसे मैंने बताया है डालने के पहले सबसे पहले हमने इनकी सॉइल को ड्राई करना है, ड्राई रखना है। तो फिर देखिए ये सारे मैंने जो 3 तरह के इसमें फर्टिलाइज़र डाला है इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही रिच हमारा फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो गया है जो हमारे फूलों के साइज़ को बिग करेगा। तो फिर गुड़ाई तो मैंने पहले ही कर ली है, अब इसमें मैं अब ये फर्टिलाइज़र को डालूँगी। वैसे दोस्तों हम टाइम टू टाइम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को तो यूज़ करते रहते हैं, मगर एक बार हमने मंथ में ड्राई फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करना है ताकि इनकी सॉइल में जो भी कमी होती है, जो हम लोग स्टार्टिंग में जो सॉइल मिक्सिंग में डालते हैं एक समय में वो सारे खाद धीरे धीरे कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमें टाइम टू टाइम इनको ड्राई फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करना पड़ता है। तो फिर जब भी हम इस जो ये रेडी किया है इसको हमने एकदम जड़ के नज़दीक में नहीं डालना है, बल्कि हमने इन पॉट्स के रिम के चारों तरफ धीरे धीरे इनको फैला देना है। तो जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, तो आप लोग खुद देखेंगे करके कि फूलों की साइज़ कैसे बड़ी होती है। वैसे इनका वैरायटीज़ के फ्लावर्स के साइज़ तो ऐसे ही बिग होती है, मगर हम उससे ज़्यादा भी ये फर्टिलाइज़र डालकर इनको और बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी प्लांटर्स को रेडी कर रखा है, तो इसमें मैं सभी प्लांटर्स में डाल रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं इनको मिक्सिंग भी करना स्टार्ट कर दूँगी। डालने के बाद आप लोगों ने इनके सभी सॉइल को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो हमने अभी फर्टिलाइज़र प्रोवाइड की है वो अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा करके कि ये जो हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत जल्दी एक फंगस अटैक होता है जो माइट्स के नाम से जाना जाता है। पत्तों में ब्लैक ब्लैक के स्पॉट हो जाते हैं, और अगर आप लोगों को कभी ऐसे पत्ते नज़र आए तो उन लीव्स को डायरेक्ट हटा के फेंक देना है इस तरह से। तो वैसे मेरे इन प्लांट्स में अभी तक कोई भी माइट्स या पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक नहीं हुआ है क्योंकि मैं इनको हर वीक में 2 बार स्प्रे करती हूँ। तो मैं कोई किसी वैरायटीज़ या कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों को तो इतना नॉलेज ही होगा, तो आप लोगों को जो पसंद आता है वो वाला आप स्प्रे कर सकते हैं या तो आप नीम ऑयल को भी स्प्रे कर सकते हैं। वैसे नीम ऑयल बहुत ही बेस्ट होता है, वो हमारे प्लांट्स को नहीं जलाता है या फ्लावर्स को भी ख़राब नहीं करेगा, मगर जब भी स्प्रे करें तो उनके फूलों पर नहीं करना है।
और ये जब हम स्टार्टिंग में ही ग्रो करते हैं तब से हमें ये सब केयरिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक बार इनमें पाउडरी मिल्ड्यू या ये माइट का अटैक हो जाता है तो धीरे धीरे वो पूरे प्लांट्स में फैल जाता है, बाद में वो धीरे धीरे सभी प्लांट को सुखा देता है। तो इन सब से बचने के लिए आप लोगों ने थोड़ा तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अभी मैंने इनके ऊपर धीरे धीरे वाटरिंग कर देना है, और वाटरिंग इतने अच्छे से करना है ताकि पूरी सॉइल नीचे तक भीग जाए, और जब भी वाटर करे दोस्तों ये प्लांट के ऊपर से गलती से भी ना करे। जैसे मैं साइड से अपने हाथों से इनको हटाकर साइड करके इनके सॉइल में वाटर डाल रही हूँ, तो ये मैटर होता है कोई भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट में डालने के लिए। और ये जो देख रहे हैं इस ट्रे पे मैंने अपने सीड से रेडी किए हुए मेरी पेटूनिया के छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, अभी इनको भी मैंने रेडी करना है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पेटूनिया के सैपलिंग्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ ग्रो करूँ। तो आप लोगों ने देख लिया मैंने किस तरह से ये फर्टिलाइज़र को यूज़ किया। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखें दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।